बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे सवाल आ बहुत सारे सवाल ढेर सारे सवाल है। उन सभी सवालों के क्रमवार जवाब चाहिए। अगर सवालों की बात करें तो उसका जवाब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने भी दिया और कोशिश करेंगे हम भी सवाल का जवाब देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है तो जब बीएड जो बीपीएससी शिक्षकों की टीचरों की पीआईटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें लगभग 10,000 शिक्षक जो है वो बीएड अभ्यर्थी हैं, तो कैसे जब प्राथमिक से बीएड बाहर है तो फिर किस आधार पर उनकी सूची बन गई, किस प्रकार बीएड का रिजल्ट जारी हो गया, सबसे बड़ा सवाल है जो सभी के जहन में और इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। एक और बड़ा सवाल है ये पूछा गया है कि अभ्यर्थी एक से अधिक परिणाम लेकर रिक्तियां बर्बाद की जा रही है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी है जिन्होंने पीआईटी में भी आवेदन किया था, माध्यमिक में आवेदन किया था, उच्च माध्यमिक में आवेदन किया था, अब वो तीन सीटें खराब करके ज्वाइनिंग लेंगे एक ही जगह, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी ने या बिहार सरकार ने क्या व्यवस्था की है। उसके बाद ये है कि मेरी पसंद जिला क्यों नहीं मिला, कुछ लोगों का ये आरोप है कि जो मेरी पसंद का जिला था वो उन्हें क्यों नहीं मिला, माने जिला दूसरा क्यों बदल दिया गया, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। फिर कह रहा है कि सीटीटी असफल उपयोग जो कक्षा से लेकर 5 सफल घोषित हुआ, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट भी पास नहीं थे, सीटेट में असफल थे, सीटेट फेल थे, उन अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया गया, उसके लिए आयोग क्या व्यवस्था कर रहा है। एक और बड़ा सवाल है कुछ बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षक पद के लिए सफल हो गए हैं, माने कुछ ऐसे बीएड के अभ्यर्थी हैं जो 1 से लेकर 5 तक के लिए सफल हो गए, उनके लिए माननीय सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई या बिहार सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। एक आरक्षण पात्र आरक्षण पर लाभ क्यों नहीं मिला, अच्छा आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला, अच्छा इस पर आरक्षण का लाभ भी समझ लीजिएगा, इस पर भी उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा और कुछ जो आपके फीडबैक थे वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर वही सवाल फिर से यहाँ से पूछा गया है, साथ आप एक बार देख पाएंगे। अब इन सवालों के जवाब पर भी चर्चा कर लेते हैं, आखिर इन सवाल तो हो गए अब इनके जवाब क्या क्या है, अब अतुल प्रसाद जी के हिसाब से क्या जवाब है और हम लोग के हिसाब से क्या जवाब है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अभ्यर्थियों को अधिक परिणाम देकर रिक्तियां बर्बाद क्यों जा रही है, मैंने एक से अधिक जगह वो आवेदन कर ले रहे हैं और आवेदन करने के बाद रिक्तियों को खराब कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। देखिए अभ्यर्थी एक से अधिक परिणाम दिया गया ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरे नियुक्ति से वंचित न हो जाए, ऐसी स्थिति को चयन प्रक्रिया प्रतीक्षा सूची में भरा जाएगा, अगली प्रक्रिया में कुछ सरकारी निर्णय पर निर्भर है। जैसे अब ऐसा भी नहीं किया जा सकता, अगर आप अभ्यर्थी का भी राइट होता है कि वो सभी जितने भी पद में आवेदन करे और हो सकता है किसी में असफल हो किसी में सफल हो किसी में अंतिम रूप से चयन हो, अब बीपीएससी परिणाम बनाते समय ये नहीं कर सकती ना उन्हों किसी एक का रिजल्ट जारी करे, वेरिफिकेशन होने के बाद जब एक में और एक ही पद को ज्वाइन करेंगे बाकी पद जो रिक्त हो जाएगा, अब या तो उसके लिए मेधा सूची दोबारा जारी की जाएगी, फिर से रिक्तियां बनेंगी उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी या अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा, ये अब सरकार के ऊपर निर्णय है। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है उनके लिए दूसरी लिस्ट जारी होगी जो पद बचेंगे, मतलब चाहे पीआईटी को माध्यमिक को उच्च माध्यमिक को, तो जिन अभ्यर्थियों के एक दो अंक कम है वो हताश ना हो ध्यान रखे, हो सकता है उनका भी लिस्ट जारी हो उनको भी मौका मिल सकता है। एक और सवाल है मेरी पसंद जिला क्यों नहीं, देखिए जिले के आवंटन में सभी को अपने अच्छे जिले में देना ही संभव नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था ये संभव नहीं था कि सभी को जिन जिलों को ऐच्छिक था उन्हीं जिलों, क्योंकि जितने सीट थे उससे ज्यादा अभ्यर्थी उस जिले में पास हो गए, उस आधार पर उन्हें क्रमवार जिला दिया गया। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभ्यर्थियों के हिसाब से उनको ऐच्छिक जिला मिल जाए, तो ये भी बातें साफ स्पष्ट उन्होंने कर दिया, आपको नौकरी करनी पूरा बीपीएससी करा रही बिहार में आप कहीं भी बनकर नौकरी कर सकते हैं। एक और बात सवाल है कि यहाँ पे देखिए कि टीटी की असफल उम्मीदवार कक्षा 5 में सफल क्यों, मतलब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी बिहार की बीपीएससी उसमें जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं थे उनका भी परिणाम जारी कर दिया गया, तो उसमें अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि सभी परीक्षा फल सशर्त है, सीटीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए उन्हें कक्षा 1 से 5 के पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन में अब तक 10,000 से अधिक अभ्यर्थी आयोग घोषित कर दिए गए, मैंने जो दस्तावेज का सत्यापन हो रहा था जो डीवी हो रही थी उसमें अगर असफल हो रहे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, जो पद बचेगी उसकी फिर से मेरिट लिस्ट जो है कम करके फिर से मेधा सूची जारी की जाएगी, मतलब आपका भी नंबर आ सकता है अगर आपके एक दो अंक कम है। कुछ बीएड अभ्यर्थियों कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए सफल घोषित हो गए, इसका भी जवाब है कि देखिए यहाँ भी आपको ध्यान देना होगा कि 1 से 5 तक जो अभ्यर्थी सफल घोषित हो गए उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए, वो बीटीसी और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी थे, उन्होंने बीएड भी कर रखा था और बीटीसी भी आवेदन कर रखा था और उन्होंने फॉर्म तो बीएड से भर दिया था, बाद में आयोग ने संशोधन का मौका दिया तो उन्होंने डीएलएड की मार्कशीट को अपलोड कर दिया था, इसलिए अतुल जी ने कहा है कक्षा 1 से 5 तक सफल होने वाले अभ्यर्थियों में 10,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएड और बीटीसी या डीएलएड दोनों किए हुए थे। आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया गया, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति आरक्षण के का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं डाउन उसमें लगाया है या ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है सत्यापन के समय जिसमें आरक्षण हो, तो इस दशा में आरक्षण का लाभ
नहीं मिलेगा। एक अलग वीडियो बना देंगे कि मेरिट इतनी हाई कैसे चलेगी, जबकि मैंने शुरू में ही बताया था मेरिट हाई जाएगी, कुछ लोगों ने ट्रोल किया, बाकी यूट्यूबर 50 ही मेरिट बता रहे थे। फिलहाल उसके लिए वीडियो को लाइक करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर करेगा। अगर आप ये कहेंगे कि इतनी मेरिट हाई क्यों गई है, इस पर मैं वीडियो बनाऊं, आरक्षण में यूआर में ज्यादा से ज्यादा छिटे क्यों दिखाई दे रही है, इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग ज्यादा ज्यादा कॉमेंट करेंगे, ज्यादा ज्यादा अपना फीडबैक देंगे, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं इस पर व्यक्तिगत जवाब दूंगा। धन्यवाद प्रिंट मीडिया का, जिसके माध्यम से मैंने आप तक सूचनाएं पहुंचाई है। वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करेगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, साथ सभी मित्रों को साझा करिएगा। अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। और वैसे डर से चेक भरते कि अगले चरण के लिए क्या तैयारी, क्योंकि अगले चरण आपके लिए बेहतर है। और एनसीईआरटी के नोट्स इलानी भी दुर्गेश उपलब्ध है, एनसीईआरटी के सभी नोट्स। आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके इलानी भी दुर्गेश से जरूर जुड़े रहिएगा, जहां पे सभी क्लास के लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नोट्स संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इलानी भी दुर्गेश नोट्स आपके लिए काफी किफायती और बेहतर साबित हो सकते हैं। स्वयं मैं भी पढ़ता हूं इलानी भी दुर्गेश से लेकर, और एनसीईआरटी के सभी नोट्स यहां पर उपलब्ध है। एनसीईआरटी के सभी नोट्स 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध है, जो आपके पीआरटी माध्यमिक टीजीटी पीटी जूनियर सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, वीडियो को शेयर करेगा, लोगों तक पहुंचाते रहेगा। अन्य प्यार से चकबंदी जो भी खबर होगी या जो भी सवाल होंगे कमेंट करेगा, हम इसका जवाब लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो को सभी मित्रों तक साझा करिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जिनके अंक का ध्यान रखें, हो सकता है उनके लिए नई मेधा सूची जारी होगी। प्लस अपने ऊपर ध्यान रखें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, बाय बाय।